तो आज मैं आप लोगों के साथ एडविन कंपनी के नेचुरल शैम्पू का रिव्यू करने वाली हूँ कि ये शैम्पू कैसा है, क्या है, इसने मेरे बालों पर कैसा असर किया, इसे लगाने के बाद क्या मेरे बालों की प्रॉब्लम कम हुई या नहीं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रिव्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर अमेजिंग न्यू वीडियो। तो आज जिस शैम्पू का हम रिव्यू करने वाले हैं, ये है एडविन का नेचुरल शैम्पू, एडविन नेचुरल फॉलिकल थेरेपी विद ABC प्रो विटामिन शैम्पू फॉर ऑल हेयर टाइप, ये इसका नाम है। इस शैम्पू को लगाने के बाद मेरे बालों में क्या फ़र्क आया, क्या मेरे बालों का गिरना कम हुआ, क्या मेरे बाल ड्राई हुए, क्या मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, कैसा क्या रिव्यू है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने आयुर का शैम्पू यूज़ करा था, और उसे यूज़ करने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा, और मेरे इतने ज़्यादा बाल गिरे कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने लॉरियल का शैम्पू यूज़ करा, वो भी मेरे बालों को सूट नहीं करा, और मेरे बाल उससे भी मतलब मेरा हेयर फॉल हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ बट हेयर फॉल हुआ, उतना नहीं हुआ जितना आयुष शैम्पू से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। अब इतना होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तब मैं एक होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है। उन्होंने मुझसे कुछ बातें पूछी और मैंने उन्हें सब बताया, तो वो मेरी दिक्कत समझ गए थे कि मुझे शैम्पू सूट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे ये शैम्पू सजेस्ट करा, मुझे एक होम्योपैथिक के डॉक्टर ने ये शैम्पू सजेस्ट करा कि आप एडविन का नेचुरल शैम्पू यूज़ करें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खुश हो गई, मैं इसे लेकर आई। अब जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट को चेक करना शुरू करा, तो चलिए मैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें अर्निका पाया जा रहा है जो आपकी हेयर ग्रोथ करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको इम्प्रूव करता है, और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आपकी रूट्स भी स्ट्रांग होती हैं। इसमें ब्राह्मणी है जो आपके बालों में एक थिकर, आपके बालों को मजबूत बनाती है। इसमें कैंथेरिस है जो आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। इसमें प्रोटीन पाया जा रहा है जो आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करता है। इसमें विटामिन पाया जा रहा है जो आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, आपके बाल, आपकी जो हेयर स्किन होती है उसको मॉइस्चराइज करता है। तो ये सारे इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन मिलाई गई हैं इस शैम्पू में, और क्योंकि इस शैम्पू में होम्योपैथिक मेडिसिन मिलाई गई हैं तो ये आपके बालों की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद इसमें ये था कि आप अपने बालों की जेंटली मसाज करें एंड देन अपने हेयर वॉश कर लें, आपको आपके बालों में फ़र्क दिखाई देगा। उसके बाद जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट देखे तो मैं थोड़ा सा, मेरा दिमाग एकदम हिल गया कि ये क्या है। मतलब इसमें पाया जा रहा था सोडियम लॉरल ईथर सल्फेट, सोडियम लॉरल सल्फेट, और इसमें पाया जा रहा था सोडियम मिथाइल पैराबिन, सोडियम प्रोपाइल पैराबिन। तो ये ऐसे इंग्रेडिएंट थे जिन्हें देखने के बाद मेरा ऐसा हो गया था कि यार मैं ये शैम्पू कैसे यूज़ करूँ, क्योंकि इसमें तो केमिकल पाए जा रहे हैं और ये मेरे बालों को बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। देखिए, जो मैंने आयुर का शैम्पू भी बनाया था उस पर भी मैंने क्लियर बोला था कि उसमें सोडियम सल्फेट पाया जा रहा है, एंड मैं हमेशा बोलती हूँ आपको सोडियम सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने चाहिए, पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए। मैं कभी भी इन शैम्पूज़ के बारे में, मतलब मैं इन शैम्पूज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ जिसमें सोडियम या पैराबिन पाया जाता है। तो इस शैम्पू को लेकर भी मेरा यही था कि यार ये शैम्पू मैं नहीं यूज़ कर सकती, बट क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं सोडियम सल्फेट यूज़ करने को इतना क्यों मना करती हूँ, या मैं, ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो सोडियम सल्फेट होता है या सोडियम लॉरल सल्फेट होता है, ये क्लींजर होता है जो आपके शैम्पू को फोमी बनाता है, उसमें बबल्स पैदा करता है। इसके अलावा जो सोडियम सल्फेट होता है ये एक क्लींजर का काम करता है, या आपकी स्किन से जो डैंड्रफ होता है, जो ऑयल होता है, जो डर्ट होती है, जो डस्ट होती है, उस सबको साफ कर देता है, ये काम करता है। बट ये आपके बालों को कहीं ना कहीं ड्राई बना देता है, और जब आपके बाल ड्राई होते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं क्योंकि वो अनहेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सोडियम वाले शैम्पू आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए, आपको इनसे बचना चाहिए। और मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरे थे जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन अगर मैं इसकी शैम्पू की बात करूँ, इसमें पैराबिन पे पाया जा रहा है। पैराबिन का क्या काम होता है, ये 1920 से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मिलाया जा रहा है। जो पैराबिन होता है ये क्या करता है, ये आपके जो प्रोडक्ट होता है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, आपका प्रोडक्ट काफ़ी साल तक चलता है, प्लस उसमें कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगल नहीं ग्रो करती है। तो
तो ये पैराबिन का रोल होता है, बट हमें बताया जाता है कि हमें पैराबिन वाले शैम्पू नहीं यूज करने चाहिए, जबकि बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पैराबिन मिलाया जाता है, बट वो तब आपको हार्म नहीं करेगा अगर एक सर्टेन अमाउंट में वो मिलाया जा रहा है। तो इसमें शायद ये चीजें थी, बट मैंने जब इस शैम्पू के बारे में पूरी रिसर्च करी तो मुझे ये पता चला कि इस शैम्पू को आप सिर्फ हफ्ते में 2 बार यूज करें। अब क्योंकि ये डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है तो वो बेवकूफ तो है नहीं जो वो ये सजेस्ट कर रहा है, इसमें कोई तो बात होगी। तो मैंने, क्योंकि मुझे मेरी दिक्कत थी और जो मेरे डॉक्टर थे वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको ट्राई करूंगी। एंड मैंने इसको वैसे ही यूज़ करा, मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा, मैंने हफ्ते में इसे 2 बार यूज़ करा। मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ, मेरे बालों का गिरना बंद हुआ, मेरे बाल ड्राई और फ्रिजी भी नहीं हुए, और मैं इसके जो रिजल्ट थे उसको देखकर कंप्लीटली शॉक्ड थी। मतलब बाल इतने स्मूथ, इतने अच्छे, इतने शाइनी, और मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत अच्छे मेरे बाल हो गए, बहुत ज़्यादा अच्छे बाल हो गए। तो तब मैंने अपने डॉक्टर से बात करी, मैंने उन्हें बताया कि या इसमें सोडियम है या इसमें पैराबिन है, ये मेरे लिए हार्मफुल तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि देखिए एक सर्टेन अमाउंट में अगर ये मिलाया जा रहा है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। एंड प्लस इसमें जो है, आप एक चीज़ ये बताई जाती है कि पैराबिन वाले प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें ज़्यादा पैराबिन मिलाई जा रही है, ठीक है। प्लस ये इसमें होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती हैं और आपके बालों को गिरने से रोकती हैं। देन मैंने ये शैम्पू यूज़ करा, एंड गाइज मैं ऑनेस्टली अपना रिव्यू आपको दे रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ये शैम्पू सूट हुआ और मुझे ये शैम्पू काफ़ी अच्छा लगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 200 ml की बॉटल आपको ₹250 में मिल जाती है, और इसकी छोटी बॉटल भी आती है इस शैम्पू की जो आपको ₹150 में मिलेगी। अगर ऑनलाइन आप देखेंगे तो 2 शैम्पू आपको ₹420 में मिल जाएंगे। तो अब आप भी इसको मंगा कर देख सकते हैं, इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, प्लस आप किसी अच्छे डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, उनको भी ये शैम्पू दिखा सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये शैम्पू आपके बालों के लिए सेफ है या नहीं है। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ये शैम्पू सूट हुआ है और मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। प्लस मैंने अपनी फ्रेंड को भी सजेस्ट करा था, उसकी अभी 3rd बॉटल चल रही है तो उसको भी सूट हुआ। तो हमारा एक्सपीरियंस इस शैम्पू को लेके काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी मतलब मैं क्या कहूँ, शॉकिंग रहा है, बट बहुत अच्छा रहा है। एंड बाल बहुत अच्छे हो गए, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो आप भी इस शैम्पू को मंगा सकते हैं, मंगा कर देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं, और बाकी इट्स अप टू यू। आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि हमें तो ये शैम्पू सूट हुआ पर आपको हुआ या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ इस शैम्पू पे बनाई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लगे बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग इट।